हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद अबी, योर होस्ट एंड द टेक्निकल एनालिस्ट एट KSB सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड। टुडे इज़ मंडे, 5th of October 2020। लास्ट वीक हमने देखा कि मार्केट जो है अगेन ड्यू टू द नॉन इंटरेस्ट ऑफ बोथ द लोकल इंडिविजुअल्स एंड द फॉरेन इंडिविजुअल्स इन द मार्केट, वॉल्यूम मार्केट की काफ़ी कम रही। इट द वीकली वॉल्यूम जो रही वो अराउंड यही तकरीबन 150 से 300 मिलियन तक की रही, विच कंसिडरिंग के मार्केट जो है ड्यू टू ऑब्वियसली द इशूज़ दैट वी आर फेसिंग राइट नाउ, जो भी हिसाब किताब चल रहा है हमारे मुल्क में, द पॉलिटिकल पार्टीज आर विदाउट एनी रीज़न, मतलब इलॉजिकल रीज़न जो है मार्केट आपस में जो है वो इश्यूज़ क्रिएट करें, जिसकी वजह से मार्केट से जो इन्वेस्टर है उसका जो इंटरेस्ट है वो ख़त्म हो गया। वैल्यू ट्रेडेड आप देख सकते हैं, इट्स वेरी लो। लास्ट जो मार्केट क्लोज हुई 40,676 पॉइंट पर क्लोज हुई बाय लूजिंग दी 600 ओवरऑल पॉइंट्स। ऑब्वियसली इट वॉज फ्राइडे, फ्राइडे हमें पता होता है कि मार्केट में रिचुअल एक है कि द इन्वेस्टर ट्राई टू सेल द स्टॉक्स ऑफ और कैश फ्री कर लेते हैं। शॉर्ट टर्म में ये आपको हिसाब किताब ज़रूर नज़र आ रहा होगा, ठीक है, शॉर्ट टर्म में द मार्केट इज़ नॉट डूइंग वेल, बट ऑब्वियसली बीइंग अ टेक्निकल एक्सपर्ट हमें पता है कि मार्केट जो है आगे बहुत अच्छी है, लॉन्ग टर्म में इसका जो प्रोस्पेक्ट है वो काफ़ी अच्छा है। सो बेसिकली मार्केट अभी जो इस वीक भी हम जो सजेस्ट कर रहे हैं या हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो यही है कि मार्केट की जो वर्किंग है, जैसे वन वीक रिटर्न आप देख सकते हैं और वन मंथ रिटर्न भी आप देख सकते हैं कि बोथ सेप्टेम्बर और अक्टूबर में जो रहा है, अक्टूबर तो अभी स्टार्ट हुआ है लेकिन सेप्टेम्बर में जो उसका रिटर्न रहा है वो कुछ खास नहीं रहा। 42,000 इंडेक्स पॉइंट से मार्केट 40,000 इंडेक्स पॉइंट तक आके खड़ी हो गई, विच इज़ नॉट अ गुड साइन ऑब्वियसली, बट ये कि मार्केट यहाँ से ऐसा कोई किसी ऐसी रीज़न की वजह से नीचे नहीं आएगी जो क्रैश कर जाए। इंसाइडरिंग जैसे रिसर्च पोर्टल है इसमें बात कर सकते हैं, अगर इंसाइडर ट्रांजेक्शन की अगर हम जाएँ तो आप देख सकते हैं कि लास्ट जो डे है जो ट्रेंड चल रहा है बेसिकली वो ये कि कॉर्पोरेट्स वगैरह जो हैं वो अभी भी सेलर्स हैं और स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से काफ़ी सारे जो स्टॉक्स में वो सेलिंग वगैरह कर रहे हैं, कुछ में उन्होंने बाइंग भी करी है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें लेटेस्ट एक्टिविटी है। और टॉप एक्टिविटी की बात करें तो ऑब्वियसली टॉप एक्टिविटी में अभी करंटली ये सारी न्यूज़ आपको मिल जाएंगी स्टॉक्स के हवाले से कि किस किस स्टॉक में किस कंपनी ने कितने नंबर ऑफ शेयर बाय किए हैं सेल किए हैं, तो उससे एक अंदाज़ा हो जाता है कि आगे आने वाले टाइम में वो स्टॉक्स अच्छे रहेंगे या नहीं, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ये इनकी फंडामेंटल न्यूज़ है, ये फाइनेंशियल न्यूज़ है कि इनसाइडर्स न्यूज़ है कि अंदर से कंपनी ने कितने खरीदे। जब कंपनी जाहिर सी बात है इनसाइडर्स बाय करना शुरू कर देते हैं तो ऑब्वियसली एक मोमेंटम अच्छा बन जाता है उन स्टॉक्स का। तो ये हमारे रिसर्च पोर्टल में आप इनसाइडर ट्रांजैक्शन के नाम से ऑप्शन है, ये आप इसमें देख सकते हैं मार्केट ओवरव्यू के ऑप्शन में इनसाइडर ट्रांजैक्शन में जाके। मॉर्निंग एनालिसिस हैं कुछ, हम न्यूज़ पे ज़रा बात कर लें उसके बाद आते हैं इंशाल्लाह मार्केट के टेक्निकल्स पे। जैसे कि हमें पता है कि सीमेंट में ऑब्वियसली डिमांड है और हमने देखा कि सितंबर में भी सीमेंट की जो सेल्स हैं वो राइज करी ड्यू टू द फैक्ट कि लॉकडाउन में जो नई कमी पेशी करी गई, लॉकडाउन ओपन होने के बाद फ्रॉम अगस्त ऑनवर्ड्स हमने देखा कि जो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स वगैरह थे उनमें वर्किंग स्टार्ट हुई, उसकी वजह से मार्केट जो है उसकी भी काफ़ी स्टेबल होना शुरू हो गई। और ऑब्वियसली अभी ड्यू टू द रीसेंट फ्लडिंग हमने देखा कि उसमें जो सीमेंट की जो सेल्स हैं वो इसलिए ज़्यादा भी हो गई थी कि ऑब्वियसली पैचेस वगैरह हर जगह के टूट गए थे, रोडों का हाल बुरा हो गया था, तो ऑब्वियसली देयर वॉज अ रिक्वायरमेंट, डिमांड होती है तो ऑब्वियसली सप्लाई होती है, सप्लाई होती है तो द प्राइस स्टार्ट्स टू अप्रिशिएट। तो सीमेंट की जिस तरह हम देख सकते हैं कि सेल्स लोकल एंड एक्सपोर्ट ड्यूरिंग सेप्टेम्बर रीच टू द हाईएस्ट मंथली फिगर ऑफ 5.213 मिलियन टन्स एज अगेंस्ट डिस्पैचेस ऑफ 4.273 मिलियन टन्स इन सेप्टेम्बर 2019। लेटेस्ट डेटा शोड ऑन सैटरडे के हिसाब से अगर हम प्रीवियस वीक में जो है अगर उसको कंपेयर करें तो 4.273 मिलियन टन्स की यूजेज थी सेप्टेम्बर में, बट हाईली जो उसने टच किया 5.213 मिलियन टन यूज़ किया बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ऑब्वियसली हमने देखा कि ड्यू टू फ्लडिंग एंड ड्यू टू द रेन सिचुएशन सीमेंट की जो नीड थी वो बढ़ गई थी। लोकल इंडिविजुअल की बात करें तो उसमें जैसे कि उन्होंने मैंशन किया था लोकल अपटेक इंक्रीज बाय 17.65%, जो कि
अगर प्रीवियस ईयर के सितंबर अगस्त इन मंथ से हम मंथली अगर कंपैरिजन करें फॉर द ईयर 2019 एंड फॉर द करंट ईयर 2020, तो उसमें हम हमें काफ़ी इंक्रीज देखने को आता है, स्टिल कंसिडरिंग द फैक्ट दैट वी आर स्टिल इन दी ग्लोबल पेंडेमिक। बट ओवरऑल जो है सिचुएशन काफ़ी बेहतर है मार्केट की इस टाइम, और मार्केट में सीमेंट की सेक्टर की बेसिकली इस टाइम, तो एक अच्छी अच्छी जो है वो न्यूज़ है कि चलें, रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, इसी वजह से आप लोग को हमने कहा है कि सीमेंट में और स्टील में अपनी एंट्रीज करके रखें, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इनके अंदर बहुत लोकल डोमेस्टिक और ये के एक्सपोर्ट में डिमांड भी इसकी बढ़ना शुरू हो जाएगी। दूसरी न्यूज़ पे आ जाएं अगर, तो जैसे कि हमें पता है कि सीमेंट की सबसे ज़्यादा मेन रिक्वायरमेंट फ्यूचर जो हमने प्रिडिक्शन दी हुई है कि मार्केट इसकी अच्छी होगी, वो इसीलिए अच्छी होगी कि आप देख सकते हैं अक्टूबर 3 को फाइनली गवर्नमेंट ने जो है वो इनिशिएटिव लॉन्च कर दिया है और जो है एक्वायरमेंट कर ली है लैंड की, विच इज़ दी कंफर्मेशन कि इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट जो है इट विल टेक सम टाइम। देखिए ऐसा नहीं है कि अभी प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा तो ये जल्दी बन जाएगा, नहीं, इट विल टेक सम टाइम, बट ऑब्वियसली दी जो इसकी जो प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, इट विल हेल्प दी सीमेंट सेक्टर्स एंड द स्टॉक्स प्राइस टू स्टार्ट अप्रिशिएट, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि सप्लाई शुरू हो जाएगी, इनकी डिमांड है सीमेंट वाले जितनी कंपनीज हैं उनकी जो है वो सप्लाई शुरू हो जाएगी, उसकी वजह से द प्राइसेस विल इंक्रीज। तो आप देख सकते हैं कि 32,139 एकर्स ऑफ लैंड फॉर डायमाशा डैम हैज़ बीन अक्वायर्ड, विच इज़ अ पॉजिटिव न्यूज़ फॉर दी सीमेंट सेक्टर। अकॉर्डिंग टू स्टेट रन न्यूज़ एजेंसी, ऑलमोस्ट 86% लैंड फॉर द मेगा प्रोजेक्ट हैज़ बीन अक्वायर्ड सो फार, वाइल कंस्ट्रक्शन वर्क ऑन रिजेंट रीसेटलमेंट ऑफ मॉडल विलेज एट हापन दास इज़ इन प्रोग्रेस। अभी हमें पता है कि एक्वायरमेंट के बाद इट विल टेक सम टाइम कि उसके प्रोसेसिंग करने में और फिर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने में, अभी भी ऑब्वियसली वी आर प्रिडिक्टिंग कि देर इज 6 months लेफ्ट। बाकी रिमेनिंग भी अगर इसके हम पढ़ लें तो ऑब्वियसली ये कि इट इज़ पर्टिनेंट टू मैंशन द डायमाबाशा डैम विल फैसिलिटेट एग्रीकल्चरल ग्रोथ, ये जाहिर सी बात है डैम होगा, पानी होगा तो ऑब्वियसली सप्लाई जो हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ है उसको मिलेगी, उसको ज़्यादा तादाद में मिलेगी, प्रॉपर ग्रोथ होगी पानी मिलने के बाद, तो ऑब्वियसली इट विल हेल्प टू मेक मोर गुड्स, और वो जब गुड्स ज़्यादा होंगे तो उनको हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली इट विल ब्रिंग दी फॉरेन करेंसी इन पाकिस्तान, कैश फ्लो अच्छा होगा, रेमिटेंसेज हमारे अगर अभी भी सरप्लस रहते हैं इन कमिंग मंथ्स, तो ये बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ है जो मुल्क की इकॉनमी है उसके लिए। इसीलिए आप लोग को जैसी बात हम सजेस्ट कर रहे हैं कि अभी जो है मार्केट में रहें, अपने लॉस बुक करके बाहर ना आए, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि मार्केट का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा है। अभी ये टेम्प्रेरी इट्स द मार्केट इज़ डाउन, टेम्प्रेरी द मार्केट इज़ डाउन, बट इट विल रिकवर इंशाल्लाह। तो ये तो दूसरी न्यूज़ हो गई। तीसरी न्यूज़ पे आ जाए तो ऑब्वियसली अगेन द PKR रुपी हिट्स ओवर 3 months हाई, विच इज़ अ पॉजिटिव न्यूज़ कंसिडरिंग कि जुलाई अगस्त एंड सेप्टेम्बर से जुलाई अगस्त एंड सेप्टेम्बर ये 3 months जो है हमारी जो US जो PKR है हमारा पाकिस्तानी रुपीज़ वो अप्रिशिएट किया अगेंस्ट द US डॉलर, US डॉलर हैज़ डिक्रीज, इसमें आप जिसके देख सकते हैं दी पाकिस्तानी करेंसी हिट 3.5 month हाई एट ₹164.50 टू द US डॉलर इन द इंटरबैंक मार्केट ऑन द फ्राइडे आफ्टर ऑयल प्राइसेस ड्रॉप्ड सिग्निफिकेंटली इन द वर्ल्ड मार्केट एज इस्लामाबाद वॉज अ नेट एनर्जी इम्पोर्टर। हमें पता है कि इंटरनेशनल मार्केट में देर इज स्टिल सम टेंशन, और वो इसी वजह से है कि द प्रेजिडेंशियल इलेक्शन इज़ गोइंग ऑन, अभी कोई प्रॉपर चैनल नहीं है इस वक्त मार्केट का, ग्लोबल पैंडमिक की वजह से ऑब्वियसली देर इज़ अ सिग्निफिकेंट गैप बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई। द रुपी रिकवर्ड अ टोटल ऑफ ₹1.20 इन द पास्ट 2 days इंक्लूडिंग ₹0.50 ऑन फ्राइडे। 0.50 ये भी ज़्यादा होना चाहिए था ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द फैक्ट अनफॉर्चुनेटली के जो है रिचुअल एक होता है मार्केट का, उसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट जब कम आती है तो ऑब्वियसली इट इट डिडेंट हेल्प दी प्राइस टू अप्रिशिएट ऑन फ्राइडे अगेंस्ट दी US डॉलर अकॉर्डिंग टू द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, मेन इशू क्या है? मेन इशू ऑब्वियसली दिस इज द मेन इशू, द सेकेंड वेव ऑफ COVID-19 इन द वेस्ट हैज पुल्ड ऑयल प्राइस डाउन इन द ग्लोबल मार्केट, द ड्रॉप इन क्रूड प्राइस इज अ पॉजिटिव डेवलपमेंट फॉर पाकिस्तान इकॉनमी। ऑब्वियसली इंटरनेशनल मार्केट में जब ऑयल सस्ता होगा तो हम जब इसको इम्पोर्ट कराएंगे, हम उसको ख़रीदेंगे तो हमें थोड़ा सस्ता पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा हमारे रिजर्व्स बढ़ेंगे, जब रिजर्व्स बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली जब हमें आगे इंशाल्लाह ज़रूरत पड़ेगी, ऑब्वियसली लॉकडाउन अभी जैसे स्मार्ट लॉकडाउन दोबारा लगा दिया गया है तो उसके बाद ऑब्वियसली थोड़ी सी कंजम्पशन अभी भी हल्की हो जाएगी, लेकिन इसमें फ़ायदा हमारा क्या होगा पाकिस्तान का,
और मेजर जो और कंट्रीज़ हैं जो इम्पोर्ट करते हैं, कि वो सस्ते में जितना ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल उठा सकते हैं वो उठा रहे हैं, अपने पास जमा कर रहे हैं। सो कंसिडरिंग दी सिचुएशन, इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हमें पता है कि हाँ हमारा यूज़ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारी खुद की जो है वो इसमें प्रोडक्शन नहीं है ऑयल की, हम बाहर से ही मंगवाते हैं अनफॉर्चुनेटली। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए ऑब्वियसली इट्स अ गुड डेवलपमेंट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इट विल हेल्प दी डॉलर टू डिक्रीज एंड द PKR टू इंक्रीज बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हमें सस्ते ऑयल में, जब हम सस्ते पैसों में हम ऑयल मंगवाएंगे तो ऑब्वियसली इट विल हेल्प अस कि उसको जब इन फ्यूचर हम यूज़ करेंगे तो उसकी यूटिलाइजेशन में जब मार्केट इसकी भी बढ़ेगी ऑयल की, तो हमें थोड़ा सस्ता में ऑलरेडी हमारे पास रिजर्व्स भरे हुए होंगे। इसी वजह से ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में जब ऑयल की टेंशन होती है तो हमारी इंडेक्स, हमारे जो इंडेक्स भी है जो अभी सब 40,000 खड़ा है, इसलिए उसमें जो है इन्वेस्टर्स भी भाग जाते हैं और जो उसकी वर्किंग भी है वो स्लो हो जाती है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हम मेजॉरिटी चीज़ों में इम्पोर्टर्स हैं, हम एक्सपोर्ट नहीं करते, हम मार्केट में जो है वो हम खुद डेवलप करके एक्सपोर्ट नहीं करते। इसकी वजह से मेजर इम्पोर्टर होने की वजह से जब इंटरनेशनल मार्केट में चीज़ें उसमें इशूज़ होते हैं तो हमारे पास भी उसमें इंडेक्स में इशू आता है और इन्वेस्टमेंट जो है वो थोड़ी कम हो जाती है। एक और न्यूज़ की बात कर लें, जैसे मॉर्निंग न्यूज़ आपको जैसे फॉरवर्ड की गई है उसमें जैसे आप देख सकते हैं कि सेप्टेम्बर एक्सपोर्ट्स पोस्ट 6% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पिछले किया जाए, तो अगेन इट्स अ पॉजिटिव न्यूज़ कंसिडरिंग वी आर स्टिल इन दी ग्लोबल पैंडेमिक सिचुएशन, बट स्टिल हमारी एक्सपोर्ट्स एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर्स एंड प्रीवियस गवर्नमेंट्स इंक्रीज़ की है अगर हम उसको मंथली कंपेरिजन करें फ्रॉम द 2020 सेप्टेम्बर एंड द प्रीवियस ईयर। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं दी कंट्रीज एक्सपोर्ट्स हैव पोस्टेड 6% ग्रोथ इन सेप्टेम्बर 2021 टू 1.872 बिलियन US डॉलर्स एज कम्पेयर टू 1.76 बिलियन डॉलर ड्यूरिंग द कॉरस्पॉन्डिंग मंथ ऑफ लास्ट ईयर। सेप्टेम्बर पिछले साल में दी एक्सपोर्ट्स जो हमें ग्रोथ थी वो थी 1.76 बिलियन डॉलर्स की, बट टुडे अगर कंसिडरिंग दिस ईयर सेप्टेम्बर इट हैज़ इंक्रीज बाय 0.100 बिलियन विच इज़ अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इट शोज़ कि हमारी मार्केट जो हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर है वो मोमेंटम पकड़ रहा है, उसके अंदर एक जो है पॉजिटिव ग्रोथ है और इस ये ग्रोथ ही इंशाल्लाह जो है वो मुल्क की इकॉनमी को ऊपर लेके जाएगी एंड ऑल्सो दिस मार्केट इंडेक्स इंशाल्लाह विच इज़ बाउंड टू क्रॉस द 43,000 इंडेक्स पॉइंट्स एज ऑफ करंट। जैसे कि आप स्टेटमेंट देख सकते हैं, ऑल्दो दिस इज़ बेटर देन डिक्रीज ऑफ 15% इन अगस्त। अगस्त में ऑब्वियसली जो फ्लडिंग की वजह से हमारे 2 हफ्ते भी ज़ाया हुए मुल्क में, जाहिर सी बात है बारिशें होती हैं तो हमें पता है कि फील्ड्स दे गेट डिस्ट्रॉयड और एक्सपोर्ट वगैरह जो है उसकी ट्रांसपोर्टेशन भी है उसमें भी जो इशू आता है। आई स्टिल फील दैट विद सफिशेंट बैकलॉग ऑफ ऑर्डर्स वी कैन डू मच बेटर दी एडवाइजर एडिड। अब बैकलॉग ऑफ ऑर्डर इसका क्या मतलब होता है? बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि ऑर्डर्स क्रीज हो गए हैं, हमारे पास ऑर्डर्स अच्छे खासे खड़े हैं, विच मीन्स के अच्छे खासे ऑर्डर्स होने की वजह से जैसे ही हमें मौका मिलेगा और हम उसकी वर्किंग स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास जो इनकम आनी है, जो हमारे पास ग्रोथ आनी है वो अभी भी पेंडिंग है। तो ये भी एक अच्छी पॉजिटिव आप लोग को हम सजेस्ट करते हैं कि मार्केट बुरी नहीं है, ये टेम्प्रेरी डाउन है ड्यू टू दिस पॉलिटिकल नॉइज़ एंड अनफॉर्चुनेट सिचुएशन इन दी कंट्री, बट ओवरऑल जो है दी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ द मार्केट इज़ लुकिंग वेरी गुड। एक और न्यूज़ पे आ जाए, गवर्नमेंट अलाउज लॉन्चिंग ऑफ 3 इंटरनेशनल बॉन्ड्स टू रेज 2.5 बिलियन। हमें पता है कि बॉन्ड्स के थ्रू जो है वो हम लोग अर्निंग करते हैं और उसकी वजह से हमें काफ़ी फ़ायदा होता है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इट ब्रिंग्स मोर करेंसीज फ्रॉम दी आउटसाइड वर्ल्ड। तो जाहिर सी बात है बॉन्ड्स के ज़्यादा होने की वजह से अगर हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मिलती है बाहर से, जैसे आप देख सकते हैं यूरो बॉन्ड, सुकुक बॉन्ड एंड चाइनीज़ पैंडा बॉन्ड फॉर रेजिंग 2.5 बिलियन लोन्स इन ऑर्डर टू बिल्ड अप फॉरेन करेंसी रिजर्व्स इट इज़ लर्न। तो ये अच्छी बात है, जितने ज़्यादा बॉन्ड्स होंगे बाहर से फॉरनर्स जितने ज़्यादा उसको खरीदेंगे, हमारे पास यूएस डॉलर रेमिटेंस ज़्यादा आएगी, उसी हिसाब से हमारे पास जो करेंसीज़ है, करेंसी जब ज़्यादा आएगी हमारे पास सरप्लस कैश होगा
तो उसको हम जो है एक्सचेंज करा के हम ज़्यादा अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर सकते हैं, हमें ज़्यादा पीकेआर मिल सकता है, जिसकी वजह से द यूएस डॉलर इन द इंटरनेशनल मार्केट विल कम डाउन एंड आवर पीकेआर विल अप्रिशिएट। लास्ट न्यूज़ की बात कर लें आज मॉर्निंग की, उससे पहले कि मार्केट ओपन हो जाए, कॉटन आउटपुट फॉल शॉर्ट ऑफ टारगेट बाय ओवर 2 मिलियन बेल्स। ऑब्वियसली हमें पता है कि कॉटन की ग्रोथ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि अभी जो ये सिचुएशन हुई है और ग्लोबल पैंडेमिक की वजह से भी हमारे डिमांड सप्लाई की गेम थोड़ी सी स्लो हुई हुई है। द कंट्री विल नॉट बी एबल टू अचीव द टारगेट सेट फॉर कॉटन प्रोडक्शन दिस ईयर एज द एस्टिमेटेड प्रोडक्शन विल बी 8.597 मिलियन बेल्स अगेंस्ट अ टारगेट ऑफ 10.89 बिलियन बेल्स। ऑब्वियसली टाइम इज शॉर्ट एंड द टारगेट वॉज ह्यूज, बट स्टिल कंसिडरिंग कि अभी तक हम 8.597 मिलियन बेल्स जनरेट कर चुके हैं, वी आर शॉर्ट ऑफ अराउंड 2.0 मिलियन बेल्स। अगेन अगर टाइम पीरियड थोड़ा सा अगर हमारे पास और होता तो ये जो टारगेट है वो हम अचीव करके इसको भी हम जो है बैलेंस कर सकते थे। बट देन अगेन जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द मिनिस्टर द मेन रीजन्स फॉर लो कॉटन प्रोडक्शन आर पुअर सीड क्वालिटी, लैक ऑफ न्यू सीड टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज, हीट वेव, कॉटन लीफ कर्ल वायरस, पिंक बॉल वॉर्म एंड वाइट फ्लाई। ऑब्वियसली बारिशों की वजह से एक पहली बात ये कि टाइम नहीं मिलता और जो फॉसिल्स हैं वो भी डिस्ट्रॉय होते हैं। उसके बाद क्लाइमेट चेंज, अगेन क्लाइमेट चेंज हैज़ ड्रास्टिकली चेंज्ड इन ऑफ पाकिस्तान एंड ऑब्वियसली ऑफ एशिया, उसकी वजह से भी जो उसकी ग्रोथ है वो भी कम होगी। बट देन अगेन कमिंग बैक टू द मार्केट, मार्केट अच्छी है, पॉजिटिव प्रॉस्पेक्ट्स हैं फ्यूचर के, तो आप लोग परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसकी टेक्निकल चार्ट की बात कर ली जाए तो देन अगेन वी हैव दीज पॉइंट्स मेंशन, ईयरली रेजिस्टेंस, दी प्रीवियस सपोर्ट वाज अराउंड 40,000, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं 40,000, और अभी भी मार्केट जो है वो 40,000 पे ही अभी खड़ी है एडजस्टमेंट होने के बाद। अब इसकी 40,000 से नीचे जाने के बाद सपोर्ट का, एज यू कैन सी दिस रेड कैंडल इज़ बेसिकली मेंशनिंग द फैक्ट कि यहाँ से मार्केट का मोमेंटम हुआ, सो दिस इज़ द प्रीवियस सपोर्ट लेवल। अब मार्केट अभी जो खड़ी है वो अराउंड 40,000 भी खड़ी है, बट इट इज़ बाउंड टू कम डाउन टू अराउंड 39,632 पॉइंट्स। यहाँ पर इसकी सपोर्ट है और ऑब्वियसली सपोर्ट होने के साथ साथ अगर हम इसके इंडेक्स के भी जायज़ा लें डेली बेसिस पे, तो हमें पता है कि डेली बेसिस में भी इसकी जो करंट सिचुएशन है इंडेक्स की वो भी जो है काफ़ी ओवरसोल्ड हो चुकी है। 2 टाइम्स ओवरसोल्ड होने का मकसद ये है कि इट इज़ बाउंड टू हैव दी पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट इन कमिंग फ्यूचर। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि अभी इस वक्त जो इसकी इंडेक्स की एडजस्टमेंट है वो अराउंड इसकी जो हमें शो कर रहा है वो 28% है, तो 28% तक मार्केट इसकी डेली बेसिस पे एडजस्ट हो चुकी है, विच इज़ अ गुड पॉजिटिव साइन, बट इट नीड्स टू कम डाउन टू अराउंड 20%। जैसे आप लोग देख सकते हैं लास्ट जो 19 मार्च को इसने एडजस्टमेंट ली थी, ऑब्वियसली मार्च में द मार्केट वॉज डाउन, मार्केट क्रैश, बट उसके बाद जो मार्केट की वर्किंग रही है वो काफ़ी स्ट्रांग रही है, और स्ट्रांग रहने की वजह से इट इज़ बाउंड टू कम डाउन टू दिस लेवल। लेट मी जस्ट मार्क दिस लेवल फॉर यू, ये बेसिकली एक लेवल है जहाँ मार्केट लास्ट आई थी मार्च में जब क्रैश की थी, और उसके बाद जैसे कि आप लोग देख सकते हैं राइट साइड पे कि 13.68% मार्केट जो है वो ओवरसोल्ड हो चुकी थी। अभी जैसे कि हमने देखा कि उसके बाद से जो मोमेंटम बना था तो मार्केट इज़ 2 टाइम्स ओवरबॉट। अब 2 टाइम्स ओवरबॉट जब होगी तो इसको एटलीस्ट 1 टाइम मेजॉरिटी सेल ऑफ यहाँ तक आना लाजमी है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि एडजस्टमेंट होने के बाद ही, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर ओवरबॉट होती है बहुत ज़्यादा देन इट कम्स डाउन, ठीक है, उसके बाद इट गोज़ अप एंड देन इट कम्स डाउन। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एम बना हुआ है, एज यू कैन सी 1, 2 और 3, जब भी एम बनता है इट मीन्स कि द मार्केट विल गो डाउन एंड गो डाउन फॉर द करेक्शन पर्पस। जब आपको डब्ल्यू नज़र आए, जैसे आप देख सकते हैं ये डब्ल्यू है, इज व्हेन अ डब्ल्यू फॉर्म्स इट मीन्स कि द मार्केट इज़ गोइंग टू बी इन द अप ट्रेंड डायरेक्शन। यहाँ पे आप एक और देख सकते हैं, तो एम बनने के बजाय यहाँ पे एक और डब्ल्यू बना हुआ है, एंड डब्ल्यू बनने के बाद द मार्केट अगेन हैज़ मेड अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ। ओवरसोल्ड 2 दफ़ा होने के बाद द मार्केट इज स्टिल येट टू बी एडजस्टेड, ये तकरीबन इट हैज़ टू कम डाउन टू अराउंड दिस लेवल, 20% तक इसको आना चाहिए बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उसके बाद जो है हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका ये सपोर्ट लेवल है।
अगर हम इंडेक्स की टेक्निकल की बात करें तो इंडेक्स के अंदर भी जो है हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स देखते हैं। तो ये इसकी पहली सपोर्ट है एट अराउंड 22%। अगर मार्केट और आज नीचे जाके एडजस्ट होती है उसके बाद इट इज़ रिलेटिवली ऑन दी पॉजिटिव साइड कि इसके अंदर फिर इन्वेस्टमेंट मार्केट में ज़रूर आएगी, बिकॉज दैट्स हाउ द थिंग्स वर्क। ऐसा नहीं हो सकता कि द मार्केट विल कंटिन्यू टू गो डाउन 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 एंड इट विल रिमेन डाउन, ऐसा नहीं होगा। इंशाल्लाह इट विल बाउंस बैक, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो होपफुली आपको ये मॉर्निंग एनालिसिस और जो अभी आज की मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस हैं, मार्केट की प्रिडिक्शन है, वो समझ में आ गई होगी। परेशान ना हो, पैनिक नहीं करें, मार्केट के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट अच्छा है। यू नीड टू होल्ड योर स्टॉक्स। सीमेंट स्टील में एंट्री ज़रूर रखें, साइडलाइन रखें सीमेंट और स्टील को लेके, और इंशाल्लाह ये है कि मार्केट जब अप ट्रेंड बनाएगी दोबारा तो ये कि आप लोग को अच्छे रिटर्न ज़रूर दे जाएगी। सो मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे मार्केट की क्लोजिंग समरी में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, दिस इज़ मोहम्मद अबीर साइनिंग ऑफ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।